क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो मतलब हम खींच रहे हैं, खींच रहे मतलब ऑक्सी अपनी तरफ ले रहे हैं। एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, एक अपचयन क्रिया होती है। इसकी दूसरी क्रिया क्या होती है, अपचयन होती है ना। अपचयन, अपचयन क्या है, अपचयन छोड़ना, छोड़ने को अपचयन, लेने को ऑक्सीकरण, यानी इसको हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं, यानी ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो ऑक्सीकरण मतलब हम सांस को खींच रहे हैं, समझ गए, यानी ऑक्सीकरण का मतलब सांस को खींचना, उसको कहते हैं बेटा ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या होता है, जो छोड़ा जाता है। फिलहाल हम ऑक्सीकरण देखेंगे, ऑक्सीकरण में क्या होता है, जो सांस को हम खींचते हैं उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, जो सांस हम लेते हैं। और सांस लेते कहाँ से हैं, जाहिर सी बात है हमें लगता है नाक से ले रहे हैं, लेकिन नाक से सांस केवल ये जाने का रास्ता है। सांस हमारी कौन खींचता है, वो खींचते हैं फेफड़े, कौन खींचता है, फेफड़े खींचते हैं। देखो यहाँ से जाता है और सांस, इसमें जो बाल होते हैं नाक में, ये नासिका हो गई, तो नासिका में जब सांस लेंगे तो ये बाल में जो कुछ धूल आदि के कण होते हैं तो वो सब क्या होते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर एक म्यूकस लगा होता है, क्या लगा होता है, यहाँ पर लगा होता है म्यूकस, म्यूकस होता है, उसमें हमेशा चिपचिपा पदार्थ रहता है। कभी देखा होगा नाक में उंगली डालो तो बड़ा गीला गीला निकलता है अंदर से, है ना, अंदर से निकलता है गीला गीला चिपचिपा, मतलब चाहे सर्दी हो चाहे ना हो, लेकिन आप नाक में जहाँ तक उंगली जाए वहाँ तक जाओ, उसके बाद में निकालो, चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, तो वो क्या होता है, म्यूकस होता है। तो यहाँ से जो क्रॉस हो जाते हैं, यहाँ से जो धूल के कण क्रॉस हो जाते हैं, तो यहाँ पर जा करके चिपचिपा पदार्थ बना लेते हैं, और वही चिपचिपा पदार्थ वहीं पर रोक लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उसके बाद में हम खो गए उसको निकाल करके, खड़बड़ाए गए जो है बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो वो हो गया, है ना, तो ये सब धूल आदि के कड़े गंदगी सब साफ कर देते हैं। तो जब ऑक्सीकरण सांस लेते हैं तो हमें मिलती है ऊर्जा, क्या मिलती है, ऊर्जा, हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी। और जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है तभी हमारे शरीर की ऊष्मा बरकरार रहती है। ऊष्मा मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर सही रहता है, हमारे शरीर का तापमान सही रहता है, यानी जब तक सांस चलेगी तब तक ऊर्जा मिलेगी और तब तक ही टेम्परेचर रहेगा। जरा सोचो, आदमी का शरीर जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसका गर्म रहता है, है ना, और मरने के बाद में क्या होता है, आदमी का शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो ठंडा पड़ने का मुख्य कारण यही है कि हम सांस को नहीं ले पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे, ऊर्जा नहीं बन पा रही, ऊर्जा नहीं बन पा रही है तो हमारे शरीर में ऊष्मा नहीं बन पा रही है। तो ऊष्मा खत्म होगी तो क्या होगा, शरीर हमारा पूर्ण रूप से ठंडा हो जाएगा, है ना। तो अपचायी क्रिया क्या होती है, अपचायी क्रिया, अपचायी का मतलब ही है उसमें जो शरीर में हमारे एनर्जी पैदा होती है, जो अपचयन होती है, तो उसको ऊष्मा के माध्यम से हम दिखाते हैं, वही अपचायी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबोलिक, क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक। तो जो शरीर में हमारे ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो हम अपचायी करते छोड़ते हैं, छोड़ते हैं मतलब ऊष्मा हमारे अंदर शरीर के बाहर निकलती है, और इसके माध्यम से अपचायी क्या है कि हमारे पूरे शरीर में जब सांस ले रहे हैं, जब ऊष्मा बन रही है, शरीर में गर्मी बन रही है, तो ब्लड का सर्कुलेशन, पूरे शरीर का जो ब्लड का सर्कुलेशन है, पूरे ब्लड की संरचना है जो हमारी बहती रहती है हमेशा, शरीर ठंडा हो जाएगा, खून ब्लड जो आपका है वो स्थिर हो जाता है, तब वहाँ पे अपचायी क्रिया नहीं होती है, समझ रहे हो। श्वसन अंग क्या है, अब कौन से जो जीव हैं किस तरीके से आपका श्वसन करते हैं, किस तरीके से सांस लेते हैं। जैसे स्तनधारी, स्तनधारी में हम लोग आ जाते हैं, गाय भैंस आ जाती है, जितने स्तनधारी हैं, ठीक, स्तनधारी हम लोग आ जाते हैं, इंसान आ जाता है, गाय भैंस आ जाती है, और इस तरीके से तमाम जो जानवर हैं वो क्या आ जाते हैं, स्तनधारी जानवर प्रजाति के, और मनुष्य प्रजाति ये आपके स्तनधारी में आ जाते हैं। तो ये लेते हैं आपके फेफड़े से, यानी लंग से, लंग से ये फेफड़े से लेते हैं, ठीक, यानी स्तनधारी जितने जीव होंगे वो क्या करते हैं, फेफड़े से अपनी सांस को लेते हैं, यानी फेफड़ा खींचने का काम, छोड़ने का काम, खींचने का काम, छोड़ने का काम, ये कौन करता है, ये फेफड़े ही करते हैं। फिर आता है कीट, यानी कीट पतंगे, तो वो कहाँ से लेते हैं, श्वास नली, वो नाक से मुँह से नहीं लेते हैं, नाक से मुँह से नहीं लेते हैं, जैसे नाक पूछो कि नाक से ही सांस ले सकते हैं, नाक बंद कर लीजिए आप मुँह से भी ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये सांस लेने का मेन कार्य किसका है, फेफड़े का है, सांस कहीं से भी ली जा सकती है। तो कीट क्या है, श्वास नली, उनके यहीं पर होता है श्वास नली, यहीं पर होते हैं, वो बाहर से ही ले लेते हैं, उनको अंदर नहीं लेना पड़ता है, वो बाहर से ही सांस नली लगी होती है वहीं से ही वो सांस ले लेते हैं, ठीक। जलीय जीव होते हैं वो क्लोम से लेते हैं, जलीय जीव जैसे मछली ले लो, जलीय जीव जैसे है मछली, इनके क्लोम लगे होते हैं, क्लोम का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे गल्फर नहीं होते, गल्फर मछली होगी ऐसे होती है, यहाँ पे गल्फर होते हैं, गल्फर उर्दू में उसको गल्फर बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको,
गल्फर, उर्दू में उसको गल्फर बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिल्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्लोम। उसके माध्यम से हम देखो देखा होगा जब मछली को पानी निकालोगे यही निकाला कर खोला करती बंद करती ऐसे खुला खुला बंद कर दें, तो उससे क्या करते हैं वो लोग अपनी सांस लेते और छोड़ते हैं गल्फर के माध्यम से, है ना। मेंढक क्या होता है, मेंढक अपने स्किन से ले लेता है, स्किन मतलब त्वचा से ले लेता है। जब पानी के अंदर होगा, पानी के अंदर होगा मेंढक तो लेगा वो त्वचा से, और जब पानी के बाहर आएगा तब लेगा ये फेफड़े से। इसके अंदर फेफड़े से भी सांस ले सकता है, और ये समझ लो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एबिलिटी उसके अंदर होती है, एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि त्वचा से भी वो अपनी सांस ले सकता है। कब, जब पानी के अंदर होगा तब मेंढक त्वचा से भी सांस ले सकता है और आपके फेफड़े से भी सांस ले सकता है, यानी वो सांस फेफड़े से भी ले सकता है। फेफड़े से कब लेगा, जब वो जल के बाहर होगा जमीन पर होगा, और जब जल के अंदर होगा तो वो त्वचा से लेता है। टेडपोल क्या होता है, टेडपोल ये होता है मेंढक का बच्चा होता है, मेंढक का बच्चा जो बचपन में होता है, छोटा सा होता है, जब नवजात शिशु होता है ये, तब ये होता है बिल्कुल मछली के तरीके से होता है। मुझे जब बचपन में हम लोग मछली पकड़ छोटी छोटी पकड़ के लाया, ऐसा लगा कि मछली है, उसको पाल लिया, उसको बड़ा होकर के ससुरा जो है क्या बन जाता है, मेंढक बन जाता है, बड़ा होकर के मेंढक बन जाता है। तो हमको मतलब एहसास होता था कि मछली लाएँ, लेकिन वो बन क्या जाता था, मेंढक बन जाता था। तो बचपन में क्या था, वो गिल्स से लेता है, यानी किससे लेता है, क्लोम से लेता है। जब छोटा होता है तो क्लोम से लिया करता है, ठीक, क्लोम से लिया करता है मछली के तरीके से, वो क्लोम से उसके अंदर भी गल्फर बने होते हैं। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तब अपने यही प्रक्रिया पर आ जाता है ना, फेफड़े और त्वचा पर आ जाता है। यानी बचपन में मेंढक का बच्चा क्या, उसी को बेटा टेडपोल कहते हैं, क्या कहते हैं, टेडपोल। ये बचपन में जब छोटा होता है तो ये गिल्स के माध्यम से, क्लोम्स के माध्यम से, गल्फर के माध्यम से अपने सांस लेता है, और यही बड़ा होकर के जब बड़ा हो जाता है तब क्या करता है, ये उसे त्वचा से पानी के अंदर और फेफड़े से पानी के बाहर ये लेता रहता है अपने सांस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और हम आपको कुछ बताएंगे कि मनुष्य स्वच्छोवास, स्वच्छोवास देखा होगा, स्वच्छोवास कितना वो कौन सी गैस, यानी वायु के उपस्थित कितनी गैस वो लेता है और कितनी गैस, कौन सी गैस छोड़ता है, ये चीज़ देख लीजिए। बात करें स्वच्छोवास की, स्वच्छोवास, स्वच्छोवास की बेटा दो प्रक्रियाएं होती हैं। कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, दो प्रक्रियाएं होती हैं स्वच्छोवास की, स्वच्छोवास की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो अंदर लेना और दूसरी होती है बाहर छोड़ना। अंदर लेना और बाहर छोड़ना। अब जाहिर सी बात है कि कौन सी गैस हम कितनी ले रहे हैं ये पता होना चाहिए, कि जितनी वायुमंडल में उपस्थित गैस जो जितने परसेंट होगी उतनी ही तो लेंगे हम, अब छोड़ रहे हैं वो अपने अनुसार, जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है उतनी हम रोक लेंगे, जितनी बेकार है वो हम छोड़ देंगे। तो उसमें क्या है, N2 ये लेते हैं आप 78%, कितना 78%, छोड़ना भी 78%, ठीक। और जो है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं 21%, और छोड़ते कितनी है 17%, और ये आपका CO2 गैस, CO2 लेते हैं 0.03%, और छोड़ते कितनी है 4%, ठीक। यानी वायुमंडल में इतनी गैसें उपस्थित हैं, ठीक, वायुमंडल में इतनी गैसें उपस्थित हैं, यानी 78% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, 78% हम लोग क्या करते हैं नाइट्रोजन लेते हैं, और छोड़ते कितनी है 78 की 78, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए कोई प्रयोग नहीं है, जितनी लिया उतनी वापस कर दिया, हमको ज़रूरत नहीं है, जाओ ले जाओ अपनी। O2 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21% खींच लेते हैं वायुमंडल में ही, 21% पूरी ले लेंगे परसेंटेज के हिसाब से, और छोड़ेंगे कितने 17%, कितने का फेर हुआ 4% का, 4% हमने क्या किया रोक लिया, 4% हमने क्या किया उसको ऑक्सीजन को हमने रोक लिया। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते 0.003%, बिल्कुल नाम मात्र लेते हैं, 0.003%, बिल्कुल नाम मात्र लेते हैं, छोड़ कितनी देते हैं 4%, यानी लेते कम है छोड़ते ज़्यादा हैं। तो कहाँ से उपलब्ध हो रहा है, 78 से 78 ये तो पूरी चली गई,
21 से 17 4% बचा, 4% यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, तो 4% इसमें जोड़ दीजिए, 4% CO2 भी छोड़ रहे हैं, तो हमें शरीर के लिए ऑक्सीजन मिल कितनी रही है, 0.03%, बस इतनी चाहिए हमको, 0.03%, इतनी हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, 4% का फेर रहता है, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 17% छोड़ देते हैं, और CO2 क्या है, 0.03% लेते हैं, मान के चलिए बिल्कुल पॉइंट भी नहीं लेते हैं, और 4% इसको हम छोड़ देते हैं। जय हिंद।